वहाँ है मम्मी। अच्छा वहाँ पर है, चलो चलो। मम्मी मम्मी देखो मैं किसे साथ ले आई। ये अंकल हमारी जरूर मदद करेंगे। हेलो मैम, कैसी हैं आप? एक्चुअली आपकी बेटी बोल रही थी कि आप कुछ परेशान हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बेटा वो तुम्हारे साथ ही गया था ना शाम को खेलने? क्या घर चला गया था? पर बेटा वो तो अब तक घर आया नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समीर को फोन करती हूँ। हेलो, नमस्ते सुमन जी, क्या रोहित शाम को समीर के साथ आपके घर आया था? नहीं, ठीक है। हे भगवान, इतनी रात हो गई, कहाँ चला गया ये? हेलो विनय, प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए। देखिए ना 11 बज गए हैं, अभी तक रोहित घर नहीं आया है। रोहित घर नहीं आया? अच्छा तुम चिंता मत करो, आ जाएगा वो। अरे अपने किसी दोस्त के घर पे गया होगा। मैंने अंकित को भी फोन किया था, क्योंकि शाम को रोहित उसी के साथ खेलने गया था, पर उसने मुझे बताया कि दोनों पार्क से अपने अपने घर चले गए थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है विनय, प्लीज जल्दी घर आ जाइए। ओके रिलैक्स रिलैक्स, इतना कुछ नहीं होगा, मैं अभी घर पे आता हूँ, ठीक है? रोहित की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को मॉल के अंदर पाया। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ था उस समय जब वो मॉल में था। उसको जल्दी ही सब कुछ याद आ गया। दरअसल वो अपने दोस्त अंकित के साथ मॉल घूमने आया था और जब वो अकेले में छुपने के लिए भाग रहा था तो उसका पैर फिसल गया था और वो बेहोश हो गया था। अंकित, 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 रुको रुको। अंकल रुक जा, रुका 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 रुका। सर शटर बंद किया। Mommy, Papa.
पापा। कोई तो है यहाँ। तुम भी मेरी तरह यहाँ रह गई हो? हाँ, मैं भी रह गई हूँ। मेरा नाम टिया है। तुम्हें पता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता? नहीं, बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। पर तुम यहाँ आई कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले चलो मेरे साथ। कहाँ चलूँ? ठीक है, पर मेरे मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। मैंने कहा चलो मेरे साथ। नहीं, आओ। चलो ना, हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस? नहीं चेतना, इतनी जल्दी नहीं। मेरा दिल कहता है कि रोहित आ जाएगा। पर कब आ जाएगा विनय? हमारा रोहित क्या इतनी देर तक कभी रहा है घर से बाहर? प्लीज चलो ना, हम अंकित के घर आते हैं। तुमसे अंकित ने कहा कि पार्क के बाद दोनों घर की तरफ बढ़े। पर विनय, सच में मुझे ऐसा लगा कि अंकित हमसे कुछ छुपा रहा है। प्लीज चलो ना। एक काम करो, तुम घर पे ही रहो। अगर रोहित आए ना तो मुझे फोन करना, मैं अंकित से मिल के आता हूँ। विनय जी को शहर में ज्यादा दिन नहीं हुए थे। इनफैक्ट वो यहाँ बहुत कम लोगों को जानते थे। जिसको भी जानते थे उन्होंने रोहित के बारे में उनसे पूछताछ की, लेकिन रोहित का कहीं कुछ पता नहीं लगा। रोहित के दोस्तों से भी उन्होंने पूछा, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता था। रोहित की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन विनय जी हार मानने वालों में से नहीं थे। और उधर रोहित जो मॉल में फंसा हुआ था, उसे यह भी नहीं पता था कि मॉल में उसके साथ कौन है और अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। ये क्या तुम्हारी ड्राइंग है? हाँ, ये मैं और ये मेरी मम्मी। तुम्हारे पापा का है? मैं देखता हूं। साहब, वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर चले गए। साहब जल्दी आ जाएगा वरना अनर्थ हो जाएगा। इंस्पेक्टर प्लीज हेल्प मी इंस्पेक्टर। एक मिनट, मैं लिफ्ट से जाता हूँ, आप सीढ़ियों से जाओ। जहाँ भी पता चले मुझे आवाज दे देना। ठीक है। रोहित,
ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। के होया भाइयो? पता नहीं मारे को लागे कुछ काटे। बारा जा बारा जा बारा जा बारा भाइयो। के होया? खून निकल रहा है। तू तू चल 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 जा मालूम बटी कर ले चल। चाको चुरिया चला ले। अरे आपका तो हाथ कट गया, मैं भी पट्टी लेकर आती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम छोटे थे और हम अपने माता पिता के डेरों के साथ भीलवाड़ा के एक छोटे से कस्बे में खेल तमाशा दिखाने गए। पहले ही खेल के दिन हमारे साथ कुछ अजीब अजीब से हादसे होने लगे। बाबू सा तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते, पर हमारी दादी साहब एक प्रसिद्ध सिद्धि प्राप्त महिला थी। उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर हमने खेल तमाशा बंद नहीं किया। वो पहली ही रात थी और किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जा भाया तू भी रोटी खा के आराम कर ले। ए बब्बन भाया 20 साल बाद मैं इस गांव में आया हूँ। इस बार का तमाशा ऐसा होना चाहिए कि आने वाले 20 साल तक लोग हमें याद रखें। हम अपनी जान लगा देंगे भाया, आपकी इज्जत को नहीं मिटने देंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर आराम करो। अरे भाया ऐसे कैसे आराम करूं तुझे अकेला छोड़कर। मैं जाता हूँ रोटी खा के आता हूँ, तेरे वास्ते भी कुछ ले आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, आप जाकर आराम करो, आज पहला ही दिन है, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं भाया ले आता हूँ, आता हूँ अपना ध्यान रखियो। रिद्धि संभाल के गिरा मत। अरे थोड़ी देर और कर लो, बस खाना तैयार होते ही बुला लेती हूँ। पहले दिन को खेल तो अच्छो भयो, लेकिन यहाँ कुछ गलत होने वाला है। कौन है?
अरे कौन है? अरे कौन? अरे कौन? देख छोरी, वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। माता, अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो तो हमको गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव वालों से बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। बब्बन चाचा की मौत के बाद उन्हें छुपाने के लिए दादी सा और बाबू सा उस रात लोगों से छुपाकर उन्हें एक कब्रिस्तान लेकर गए और वहां उन्हें गाड़ दिया। पर ये अंत नहीं था, अभी बहुत कुछ होना बाकी था हमारे साथ। सुनो सुनो सुनो, मारा भाई बब्बन की तबीयत खराब हो गई है, इस वास्ते मारा बेटा सूर्या आज से 7 दिन तक साइकिल चलाओगो। और आज मैं वो हैरत अंगेज खेल दिखाओगो जो आज से पहले कभी ना देखो होगो ना सुनो होगो। वो लोग उस रात ही वहां से निकल गए थे, लेकिन उनके ग्रुप के कुछ कर्तव्य बाज को गांव में ही छोड़ दिया था। सूर्या की हालत खराब ही थी, सगुनिया की बात नहीं मानी थी भुजंग ने। उनको अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी शहर जाना था। सभी दुखी और डरे हुए थे, उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। चल चल, अरे वो नहीं चलेंगे, उनका रास्ता कोई रोक रहा है। हमारे रास्ते से हट जाओ, चले जाओ। क्या होया भाइयो? ओ भाइयो क्या होया? बाबूसा की जिद के कारण उस रात हम सब शहर की तरफ निकल पड़े थे। बहुत रात हो चुकी थी, पर कुछ था जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। बैलों ने भी हार मान ली थी। फिर हमने निश्चय किया कि कस्बे के बाहर जंगल में ही हम रात गुजार लेंगे। दादी सा भी अपनी पूजा में लग गई, उन्हें खतरे का डर था और खतरा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग साहब जी। हाँ, आपने जो चिकनी मिट्टी मंगवाई थी ना मुझसे मूर्ति के लिए, हाँ वही मैं लाया, देखिए ठीक है? मिट्टी तो अच्छी लग रही है काका,
आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे वर्कशॉप ले जाता हूँ। धन्यवाद। हाँ अनंत साहब एक अच्छे कलाकार थे, वो अपने घर परिवार से बिल्कुल अलग रहा करते थे, यहाँ तक कि उनके कॉलोनी के रहने वाले भी वो उन्हें नहीं जानते थे, न उसे घुलते मिलते थे। अक्सर एक अच्छा कलाकार जो है बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता है, लेकिन उन्हें क्या पता यही कला उनके जान की दुश्मन बन जाएगी। हो गया। क्या हुआ दिनेश काका? साहब ये कमला का पति है, कमला अभी तक घर नहीं पहुंची, इसलिए बहुत परेशान है। लेकिन काका ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, आज कमला आपके घर पे काम करने के लिए ही निकली थी, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आई। लेकिन वो तो मेरे लौटने से पहले चली गई थी, और वो तो आज घर का काम भी करके नहीं गई। समझ में नहीं आ रहा साहब उसे कहाँ ढूंढूं। आप चिंता मत कीजिए, वो जहाँ कहीं भी होगी वो वापस आ जाएगी। और मुझे भी इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि आज उसने घर की सफाई नहीं की, वो ऐसा कभी नहीं करती। घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है, सिर्फ एक घर बचा है, उसके मामा का घर, शायद वो वहां मिल जाए। और अगर वो वहां भी नहीं मिली तो आज तो पुलिस में रपट लिखानी ही पड़ेगी। पहले वहां जाकर देख लो, फिर रिपोर्ट लिखवाना। हाँ दिनेश काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले आप वहां जाकर देख लीजिए, और अगर वहां नहीं मिलती है तो उसके बाद आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और हाँ, अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। जी साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ। साहब मैं इनके साथ जरा जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। हाँ दिनेश काका, आप जाइए इनके साथ। तुमको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे जिंदगी दी है, बस तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो तुम सोच लो, मेरी बात याद रखना। मैं इंस्पेक्टर संजय सिंह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। जी कहिए। क्या आपके घर कमला काम करती है? जी। उनके पति ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उनकी पत्नी कमला कल आपके घर पे काम करने आई थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी, क्या इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ, जब तक मैं घर लौटा तब तक कुछ चली गई थी, और वैसे भी ये सारी बातें मैं कल सबको बता चुका हूँ। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ आई एम फाइन। ठीक है मिस्टर आनंद, जैसे आपको कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब बोलिए।
आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कुछ कुछ नहीं। अच्छा साहब, अब मैं भी चलता हूं, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस का तो काम ही पूछताछ करना। मैं एक काम करता हूं, खिड़कियां खोल देता हूं, ताजी हवा आएगी तो आपकी तबीयत बदल जाएगी। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूं। मॉम, आप यहां ऐसे अचानक? आने से पहले कम से कम फोन तो कर दिया होता। सारे साल जब यहां दरवाजे पे ही खड़े खड़े कर देगा, या मॉम को अंदर आने के लिए भी बोलेगा? हाँ वो मां, आप एक मिनट यहां रुकिए, मैं अभी आया, यही रुकिए। आइए मॉम, आइए। सुन बेटा, कुछ परेशान है क्या? मैं नहीं तो? जब से मैं आई हूं तेरे चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई मुझे। नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं, I'm fine। मां अब अंदर जाके अच्छे से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लाता हूं। ठीक है बेटा। तो इतना खोया खोया सा क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मां, आपके यहां एकदम अचानक आने की कोई वजह? बेटे को मिलने के लिए कोई वजह होनी चाहिए क्या? बहुत दिन से तेरा कोई कॉल नहीं आया था, तो फिक्र हो रही थी बेटा तेरी, तो मैंने सोचा खुद जाके ही तुझे मिल लेती हूँ। अब तुझे देखकर तो लगता है कि मैंने यहां कर अच्छा ही किया, बाकी तेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं मां, कुछ भी तो नहीं, I'm fine। क्या है कि वो काम में बहुत बिजी हूं ना, वो एग्जीबिशन जो लगानी है। ये सब तो तेरा चलता रहता है, अब अपनी माँ को सच बता दे, बात क्या है? नहीं मॉम, मैंने कहा ना I'm fine। अब एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आया। क्या बिगाड़ा है? क्यों नहीं चली जाती यहां से तुम? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हूं मोमिका? देखो मोमिका, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा भी तो घर है। अरे अनंत, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी, तुम किससे बातें कर रहे थे यहाँ पर? माँ, वो मेरा एक प्ले आ रहा है ना, तो उसके लिए असल कर रहा था। चलिए चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।